हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी कुछ बदस चैनल में। तो अब यही सोच रहे हो गया, दो दिन से मैं यहाँ अकेला ही क्यों आ रहा हूँ। नहीं तो दूसरा ब्रदर कहाँ गया? तो वो उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा वो कैसा मासूम चेहरा। यही है वो ब्रदर, देख रहे हो, देख लो, यही है वो। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज हम रिव्यू देने वाले HR के, जो अभी अभी जो सॉन्ग वायरल हो रहे हैं, जो HR मतलब हिमेश रेशमिया, जो उनके न्यू चैनल है हिमेश रेशमिया मेलोडीज करके, उस पर 3 सॉन्ग ऐसे आए इंडियन आइडल के, जो 3 सिंगर्स है जो बहुत तगड़ा गाते हैं, बहुत तगड़ा मतलब बहुत सही सिंगर है, मतलब प्लेबैक ही है सारे के सारे ऐसे मान लो। तो उनको लिया गया, उन्होंने प्रमोट किया है, बाहर लाए हैं, उनको एक मौका दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो इंडियन आइडल है वो उसमें 3 सिंगर ऐसे हैं, जो 3 तो नहीं बहुत सारे सिंगर हैं, बाकी 3 सिंगर्स को ऐसे लिया गया है HR किस गाने को गाने के लिए। तो वो कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन से गाने गाए हैं, सब बात करेंगे आज। तब तक आप हमारा पूरा वीडियो देखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट और जेन्युइन रिव्यू रिएक्शन सब कुछ हम लाते रहते हैं, ठीक है। तब तक आप देख लो हमारा इंट्रो। तो यार कभी कभी यार हम सोचने लगते कि क्या हो रहा है ये म्यूज़िक इंडस्ट्री को, क्या क्या है यार, पता नहीं यार क्यों ऐसे मतलब रिमिक्स बनाते जा रहे हैं रिमिक्स पर। तो HR को मेरे को लगता है कि लगा होगा कि वन बाय वन चुरा के दिल में रहा, अभी आया जो रिमिक्स आया उसका रिमिक्स ही आ रहा है, कोई नए सॉन्ग नहीं आ रहे, कोई नए सिंगर को नहीं ला रहे। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे तो पास खजाना है सॉन्ग का, क्योंकि उनके पास समीर जो लिरिक्स लिखते हैं और म्यूज़िक कंपोज करते हैं खुद HR, तो उन्होंने ऐसा किया और 3 ऐसे सॉन्ग बाहर लाए और वो ऐसे ट्रेंड पे चल रहे हैं कि मत ही पूछो, और उन सॉन्ग की बात ही मत पूछो, इतना मेलोडी है उसमें, इतने खो जाओगे आप। ये सुन रहे हो आप, ये सब नेचर है हमारा, ये हमारे घर में चिड़िया लोग आती रहती है और जाती रहती है। तो चलो आज हमारे पहले सॉन्ग की बात करते हैं, तो जो है पवनदीप और राजन और अनुरिता को लिया गया है, जो उसमें सॉन्ग का नाम है तेरा बैगर, जो पहले आते ही इतने ट्रेंड में गया, मतलब मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रहे, 16 मिलियन व्यूज़ है, 16 मिलियन। और उसकी ऐसी कुछ लिरिक्स है कि जिएंगे कैसे तेरे बिन ओ जाना, जब तेरे बगैर जीने का हौसला मिला। समीर जी क्या लिरिक्स लिखते हो यार, सही में बहुत मूड विथ मेलोडीज करके उसका टाइटल लिए दिया गया है हिमेश रेशमिया की जो ऑफिशियल चैनल है उस पर, क्योंकि यार ऐसे सॉन्ग सुन के मेलोडी तो है ही पर साथ में मूड ही आ जाता है। मूड बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत 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 गजब का सॉन्ग है, एल्बम सॉन्ग है, अभी ये स्टूडियो वर्जन नहीं था, बट मिलते हैं स्टूडियो वर्जन आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर लिया सवाई भट्ट को, जो अभी ट्रेंड पे चल रहा है, 32 मिलियन व्यूज़ प्लस हो गया है, 32 मिलियन प्लस। उसका सॉन्ग का नाम है सांसे, स्टूडियो वर्जन, स्टूडियो वर्जन है, बहुत सही। और उसकी ऐसी लिरिक्स है कि जब तक सांसे चलेगी तुझको चाहूँगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। दिल से ऐसे कंपोज किया गया है कि वो म्यूज़िक क्या कंपोज किया गया और समीर जी ने क्या लिरिक्स, वो समीर जी और HR का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है पता नहीं, कि जो लिखते हैं और ये म्यूज़िक कंपोज करते हैं, और गाने वाले तो HR तो लाते ही है, HR एक लेजेंड है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है HR। तो HR ऐसे सिंगर को लाते हैं और ऐसे ऐसे गाने गवाते हैं और वो हिट ही होते हैं। HR का बस वेट ही करते सारे सिंगर की, HR का उनको प्रमोट कर रहे और कौन सा गाना गवाए, क्योंकि वो गाना जो लाते वो सिर्फ बाहर आने की देर होती है, जो म्यूज़िक उनका होता है वो हिट ही मारता है, बूस्ट मारता है, बहुत तगड़ा वाला। तो सवाई भट्ट वो गाते गाते यार मैं बताऊँ वो रो पड़े थे तुरंत, क्योंकि ऐसी लिरिक्स और ऐसी म्यूज़िक और क्या फील होता है, मूड
बनाना ज़रूरी है। तीसरी बात करें तो तीसरा सॉन्ग है मोहम्मद दानिश, वर्सटाइल सिंगर है मोहम्मद दानिश, क्या हाई रेंज है। नुसरत फ़तेह अली खान जी का अंश दिख रहा है उसमें, अंश तो नहीं बोल सके, उनकी जैसी हरकतें लेते हैं, जबी जबी लेते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनका सॉन्ग है कि दगा, दगा सॉन्ग का नाम है, दगा स्टूडियो वर्जन है। तो उनकी ऐसी लिरिक्स है कि जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तबाह मरबाद दिल फना हो गए। जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तबाह मरबाद दिल फना हो गए। जब से तुम, और क्या मोहम्मद दानिश ने गाया यार सही में। और ये जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की बात ही करें तो यार हमेशा समय कोई सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंपोज करते हैं जो म्यूज़िक, वो उसमें जान डाल देते हैं, जान सही में पूरा जान डाल देते हैं। और वो अभी 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 भी ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आई थिंक मिलियन में व्यूज़ आए, आई थिंक 10 मिलियन पहुँचने आए 2 दिन में, यार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ट्रेंड पे चल रहा है म्यूज़िक, म्यूज़िक के ट्रेंड में, ऐसी ट्रेंडिंग में नहीं, टोटल नहीं, फॉर म्यूज़िक ट्रेंड। ओके, तो HR के दिल से आवाज़ निकला हुआ है और ये कंपोज किया हुआ सॉन्ग है HR के दिल से। सही में जो HR के दिल से निकलता है उनकी मेलोडीज होती है वो बहुत तगड़ी वाली होती है। बहुत मज़ा आ गया यार इसमें, जो दगा सुनेगा वो उसका फिदा हो जाएगा, दगा सॉन्ग है वो मोहम्मद दानिश का, सही में फ़ैन हो जाएगा, क्योंकि वो गाना बहुत अंदर तक, मतलब समझ लो आप तो आप समझ सकते हो यार, क्या मैं स्पीचलेस हूँ यार, स्पीचलेस हूँ सच में, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है ही नहीं। ऐसे सिंगर सर, ऐसे लेजेंड हमारे HR के बारे में यार, HR तो हमारे इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी, HR सर सैल्यूट है आपको। और आखिर में उनके खुद के बारे में ही बात कर लेते हैं। उनके खुद के सॉन्ग जो सुरूर सॉन्ग है उन्होंने खुद गाया है, सुरूर 2.0 समथिंग बोल सकते हैं सुरूर, क्योंकि HR इज़ बैक, क्योंकि यार वो यार क्या बताएं कि वो ऐसे ही मतलब शो ही करते थे, बाकी उनके गाने तो म्यूज़िक कंपोज होते ही थे बट वो खुद गाते नहीं थे वो। और इस बार आया है सुरूर 2.0, जो आते ही यार बूस्ट मारा 61 मिलियन व्यूज़, बाकी स्पीचलेस। वो सुरूर सॉन्ग आपको कहीं भी डांस करना हो, मतलब क्लब में और वहाँ घर में कोई भी है, तो ये सुरूर सॉन्ग ज़रूर बजाना, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HR सर के लिए, ऐसे ही हम अपडेट लाते रहेंगे और ऐसे ही सॉन्ग आते हैं तो हमको रिव्यू देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, मिलते हैं, स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय। जब से तुम दगा कर...